है, मैंने ऐसा कुछ नहीं मंगाई। कैसे दे रही है? ये क्या है, अमेज़न से आया ना? अमेज़न से मैंने कुछ नहीं मंगाए। ओहो, ये क्या है? दिस इज इट। क्या दिस इज इट? स्प्रे जो पता है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तुमको भी पता नहीं। चलो बाय, अनु इज गोइंग टू ऑफिस। चलो बाय। खाना हो चुका है पर अब मैं दिखाती हूँ आपको। मैं खुल गया तो ये जो है पॉपकॉर्न, ये अनु लेके जा रहे हैं अपने टिफिन में। आइसक्रीम का एक्चुअली डब था तो उसको मैंने रखा था, तो इसमें कल एक्सीडेंटली अनु को पसंद आ गया पॉपकॉर्न टिफिन में ले जाना। तो बस ये सेकेंड डे है अनु टिफिन में पॉपकॉर्न लेके जा रहे हैं। यहाँ बन रहे हैं पैनकेक्स, चीला बोल लो, पैनकेक बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ओके, पका नहीं है, फिर से पकाना पड़ेगा। तो ये मैं बना के देती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, एक बार फिर भूख लगी थोड़ी तो हल्का फुल्का हो चुका है। वर्नॉल के लिए जाके देती हूँ फटाफट से, उनके माइंड जाने का टाइम हो रहा है। तो भूख हो चुका है, ये साइड से भी भूख हो चुका है। तो ये अभी जा रहा है ऑटोमेटिक मशीन में। तो पुराना वाला खत्म हो गया था तो हाँ हाँ, ये नया वाला है। नया वाला ठीक है उस तरीके से। हाँ, यहाँ से इसका टाइमर सेट होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा ओपन हो गया। पुराना वाला खत्म तो ये वो नया वाला जो है ऐसा सेट हो गया है। इसको इस तरीके से अंदर में सेट करना पड़ता है। ठीक है, छोटा हो गया? छोटा नहीं है, बराबर ही है, सेम सही है। एक मिनट, उसका वो ये ऊपर वाला जो है ना उसको सेट करना। ये ऐसे होता है, ये चले गया। हाँ, अंदर। हाँ, और ये लॉक हो गया और ये इधर टाइमिंग मैंने सेट कर दिया, टाइमर सेट कर दिया 40 मिनट। ओके, तो अभी हो जाएगा स्प्रे 40 मिनट में। ठीक है, डन। चलो गाड़ी आ गई है, निकलो फटाफट। वो पार्सल आ गया है मेरा। रेस्ट करने के बाद अनु चले गए माइंस एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ। तो घी जो है मैं अनु के आने के बाद टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि अनु जल्दी में थे इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। एंड मेरे पार्सल्स आए तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ कुछ पार्सल्स एक्चुअली अगस्त में आ गए थे तो मैंने खोला नहीं था, मतलब खोला था बट दिखाया नहीं था। तो दिखाती हूँ मैं, एक मिनट, आवाज़ कहीं की आ रही है। तो ठीक है, टीवी किसने ऑन किया? मैं बंद करके गई थी, ऑन कैसे हो गया यार? गाइस मैं निकली, जब भी मैं टीवी ऑफ करके निकली थी, ये टीवी किसने ऑन किया? मैं तो बंद कर दी थी मैंने। कौन है यहाँ पे पता नहीं, मैं बंद करके आई थी सच्ची में यार, मेरे को डर लग रहा है। ओह गॉड, अच्छा हो गया ये दिन में हुआ, रात में नहीं हुआ। अभी मैं दिखाती हूँ पार्सल्स मैंने क्या क्या मंगाया है। तो पहले मैं ये वाला, एक्चुअली मैंने ओपन कर लिया था, ये वाला ड्रेस मैंने मंगाया है। मैं पीछे से ना इसको गोल्डन जिप है, बहुत प्रिटी लगता है पहनने के बाद, इस टाइप का कुछ है ऐसा। फ्लाई में ही मंगाया था और ये भी वन पीस है। इसके नीचे मैंने ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स मंगाई है। तो ये है ऐसा, मतलब आजकल चल रहा है ये ट्रेंड में, लाइक ऐसे जॉगर्स, लाइक क्या बोलते हैं, ट्राउजर्स एंड इसका सेट, टॉप का सेट। तो मैं तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल मुझे इतना नहीं लग रहा है, तो मुझे और एक साइज बड़ा मंगाना पड़ेगा। इसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा वेट लूज करना है जल्दी जल्दी, तो ये मंगाया। और साथ ही में ना ये वाले, और इसका क्या हो गया इसका मैटर बताती हूँ। ये मैंने पैच वर्क मंगाए थे अपने ड्रेस के लिए, ऐसे तीन हैं, ऐसे तीन हैं। तो मैंने सिल्वर और गोल्डन इसका सेट था, तो मेरे पास सिर्फ गोल्डन आए,
तो मैंने जब बहुत सुंदर लग रहा है तो ये ड्रेस पे आएगा मेरे। तो ये सब चंद्रपुर जाके ही हम लोग, मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ उसके लिए ही है। एंड एक और चीज़ आई है, तो ये अभी अभी आया है, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, और ये मुझे ना बहुत टाइम से चाहिए था, पर मैं ही थी बट मतलब मंगाना नहीं मंगाना, बट फिर अभी मैं बोलूँ नहीं, मैंने वन पीसेस मंगाया उसके लिए नीचे मुझे चाहिए, फिर इसलिए मैंने ये मंगाया। तो देखते हैं कैसा है। ओह व्हाट दिस, ये डब्बे ऐसे पिचके हुए क्यों आते हैं पार्सल में, देख सकते हो आप कैसा आया है। ये मैं ओपन कर रही हूँ डब्बा बॉक्स, ये तो ये बस ऐसे ही निकल गया। ओके तो शूज मंगाए मैंने, बूट्स मंगाए हैं, और लाइक ये इसका है पैर। तो देखती हूँ मैं साइज़, अब मैंने साइज पहली मतलब सेकंड टाइम मंगाया, पर मैंने बस ब्लैंकली मंगा लिया, इतना कुछ ज़्यादा साइज़ वाइज पे मैंने ये नहीं किया, पर मुझे क्वालिटी देखनी थी, क्वालिटी अच्छी है तो मैं एक बार पहन के देखती हूँ इसको साइज़ आएगा या नहीं। ओह माय गुडनेस, इतना ज़्यादा हील्स मैं बहुत महीनों बाद पहन रही हूँ, जब से ये आए हैं तब से मैंने हील्स पहनी नहीं है, मुझे अजीब सा लग रहा है। ओह व्हाट, आजा आजा, मुझे बहुत पसंद आए थे ये शूज़, कुछ इस तरह से दिख रहा है ऐसे। अभी मैंने यहाँ से लेस बांधा नहीं है एक्चुअली, तो वो मैं बांध लूँगी, यहाँ से फिटिंग में करना पड़ेगा। पहन लिया है, इतना ऊंचा ऊंचा वाली फीलिंग आ रही है, और अर्नोल्ड के हाइट की तो पक्के से आ ही जाऊँगी मैं। अर्नोल्ड आने के बाद एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। वाह, इस तरह से है ऐसे, और ये साइड से ऐसे। सब शॉपिंग क्यों कर रही हूँ मैं, कुछ व्लॉग्स बाद आपको पता चल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं आगे कुछ ही दिनों में, सो देखते रहिए। तो ये सब तो हो गया, और सामने का जो डोर है मैं वो भी स्टार्ट की हूँ डिज़ाइन करना, मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं कैसे बनेगा, पर घर पे रह रहे के मेरे दिमाग काम में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, बट ठीक है, घर पे रह रहे के कुछ तो पूरा पति करना पड़ेगा। तो अभी ये कुछ ऐसे दिख रहा था पहले, बहुत बोरिंग सा, मतलब बस पेंट कर दिया है। जो काम मैंने स्टार्ट किया दरवाजे का उसको ख़त्म करती हूँ फटाफट, बहुत टाइम लग रहा है। ओके तो ये तो चलते रहेगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइज हो गई शाम, एंड अर्नोल्ड आ चुके हैं, तो मैंने घी निकाल के रखा है अलग से, तो अभी जाके पूछते हैं कि घर का कौन सा है और रेडीमेड कौन सा है, देखते हैं अर्नोल्ड रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या नहीं। तो ये वाला जो है वो लाइक रेडीमेड है, और ये वाला जो है मैंने घर पर बनाया है, अभी जाके पूछते हैं। तो बताइए घर का कौन सा है और घी और रेडीमेड कौन सा है? ये वाला रेडीमेड है, ये वाला रेडीमेड है, ये वाला घर का है। आर यू श्योर? हां 100%। कैसे कैसे? 100% श्योर। कैसे? रेडीमेड देखने से पता चलता है रेडीमेड है, और देखने घर वाला देख के कैसा लग रहा है, स्मेल अच्छी आ रही है, ये घर का है। अब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैं ये बोल सकता हूं हां सही सही जवाब। गाइस मैंने कहा था ना अर्नोल्ड एक्सपर्ट है, जबकि दिखने में इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये देख सकते हो आप, ये रेडीमेड है और ये घर का है। अरे यार अनु पता है जब भी क्या, हाँ दिखने पर मेरे को समझ में आ गया कि ये, हाँ अनु एक्सपर्ट है। अनु पता है जब भी क्या हुआ, मैं वो वाले रूम में गई, जैसे हमने व्लॉग चालू किया टीवी बंद कर दी, अपने आप शुरू हो गया टीवी, तू ही शुरू की होगी। नहीं अरे मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं टीवी ऑन कर रही हूँ। गाइस आप देख सकते हो मैं आपको पूरा लाइव में दूंगी, बाद में मैं सोच रही हूँ कि अच्छा अगर मैं ऑन करके गई तो मेरे को 10 मिनट हो गया था अनु वहाँ जाके, मैं थोड़ा फ्रेश अप हुई, मैं अपना कुछ काम करी, 10 मिनट के बाद मुझे आवाज आई, और क्या शुरू था, यूट्यूब। मैंने रिकॉर्डिंग भी लिया कि क्या शुरू था, यूट्यूब। अगर यूट्यूब शुरू होता है मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, ये यूट्यूब है। अगर गलती से मैंने पॉज का बटन भी दबा दिया या फिर बंद भी कर दिया, शुरू भी किया, तो आवाज तो कंटिन्यूस आनी चाहिए ना, जब मैं यहाँ से निकली या फिर 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद आवाज क्यों आ रही है।
अभी ये YouTube चालू हो रहा है, तो ये जब मैं इधर आई दोपहर में, आवाज मुझे ही तो बताती हूँ क्या शुरू था इसमें। वो नहीं होगा शुरू, अरे अभी वाईफाई चला गया। तो जो भी है आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब के ये आते हैं, क्या आते हैं, क्या आते हैं, बॉक्सेस आते हैं ना चैनल्स के, लाइक ये तो 15 सेकंड्स का प्ले होता है, जब हम उस पे ऐसे क्लिक करते हैं तो 15 सेकंड्स का प्ले होता है। तो जब मैं यहाँ थी ही नहीं 10 मिनट से, तो 10 मिनट बाद अचानक प्ले कैसे हुआ? वो तुमने की होगी कुछ सेटिंग? मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया ना, इंटरनेट भूत भूत नहीं, मैं इतना डरती भरती नहीं हूँ, सुन ले जो भी है मैं डरती भरती नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, हाँ तो ऐसे ही हुआ होगा, इंटरनेट गया होगा, तू उधर गई होगी। अरे मैं यूट्यूब पे देख रही थी वीडियो, उसके बाद मैंने बंद करी और मैं 2 सेकंड रुकी भी कि बंद हुआ है, और उसके बाद मैंने की थी कि अगर शुरू भी है अनु तो 10 मिनट क्या कर रहा था मेरे को नहीं मालूम। टीवी आवाज फिर 10 मिनट बाद क्यों शुरू हुई? अगर मैं वो वीडियो पे बॉक्स बनाती है, ऐसे बॉक्सेस आते रहते, तो अगर उसमें क्लिक नहीं होकर है तो वो आवाज तभी आनी चाहिए मुझे 10 मिनट बाद, या फिर 7 मिनट के बाद जब मैंने व्लॉग करना चालू तब अचानक से आवाज आई मुझे। हाँ तो चाहता था कि तू आगे मेरे को भी दिखाए टीवी, पता नहीं क्या हुआ था, बट ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, तो जो भी हुआ है मैं डरती भरती नहीं हूँ, ठीक है जो भी है यहाँ पे। और हाँ तो घी का हो गया, हाँ और हील्स, अभी मैं हील्स नहीं आती हूँ, आपको बता दें कि मैं अनु की हाइट, हाइट मतलब बूट जो मैंने बताया अनु की हाइट में मैं पहुंच पाती हूँ या नहीं देखते हैं। सुनना सुनना, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ, फिर से करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं डर गई थी, व्लॉगर्स के साथ यही होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है, बट ये वाला कॉम्प्लिकेटेड था, ये फिर से शूट नहीं कर पाती। अरे तो नहीं हुआ, क्या बात कर, रिकॉर्डिंग नहीं, अरे क्या बार बार बकवास कर रहे, मैं हील्स पहन के आ रही हूं। तो ये है अनु को दिखाया नहीं मैंने, अरे वो ये हटा वहां से पहले, अरे तो गाइस मैंने पहन लिए हील्स, अभी मैं बैठ के बताता हूं कैसा है, कितना हाइट है। हील्स पहनने के बाद मैं छोटी हो गई अनु से, मैं हूँ 5'5" एंड अनु है 5'11" और ये है 3 इंचेस का, तो फिर 5'9" तक मैं पहुँची हूँ, ऐसा मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग कुछ ऐसे दिख रहे हैं, इतना सेम ही तो हो गए हाइट यार, स्टिल इतनी होनी चाहिए थी मैं, तब जाके कुछ होता है, फिर मैं इतना होना चाहिए। तो गाइस यही तक रखते हैं आज का व्लॉग, अभी हम लोग डिनर कर लेंगे, एंड अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय गाइस, बाय।